होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशियों की किस्मत 23 सितंबर को ईवीएम में कैद हो जाएगी और इस किस्मत का फैसला यहां के मतदाता करेंगे। इस फैसले को लेकर कई पंचायतों में बैठक की जाएगी और ये तय किया जाएगा कि पंचायत के लोग किसे वोट करें। वहीं इस चुनावी रण के बारे में जानकारी लेने गीडम के हार बाजार में पहुंचे स्वराज संवाददाता रूपेश गुप्ता ने कुछ ग्रामीणों से बात की है। असल में मुर्गों की लड़ाई बड़ी मशहूर है और तैयारियां चल रही हैं मुर्गों की लड़ाई की। मुर्गों की लड़ाई के लिए सभी मुर्गे ले जा रहे हैं, अपने मुर्गे ला रहे हैं। ये किसका मुर्गा है? मेरा है। हाँ अच्छा, तो इसको लड़ा बेचोगे कि लड़ाओगे? लड़ाने वाला है। आप बताओ जी। हाँ सर। इसको ले जा रहे हैं मुर्गा? मुर्गा लड़ाई के लिए। लड़ाई के लिए लड़ाते हैं। यहाँ बस्तर के लोग हैं, मुर्गा लड़ाते हैं और मुर्गा का बहुत बड़ा शौक रखते हैं। तो ये कल चुनाव भी है? हाँ सर, कल चुनाव भी है। तो अभी कुछ मिजाज बना है कि किसको जाना है? सर अब इतना अपने को मालूम नहीं है ना। तो आप लोग क्या सोचते हो, कैसा सरकार चाहिए, क्या चाहिए? नहीं सर, इसके बारे में। अच्छा, आप मना कर रहे हो, मतलब आप नेता हैं? चलो कुछ और आप बताओ कि क्या होगा आज? कल तो चुनाव है। तो कुछ मन बना है किसको वोट देना है? वो बाद में तो हो जाएगा। अभी कहाँ हो? अभी नहीं होगा, कब होगा? मुर्गी बाजार करके जाएंगे, बस शाम को बताएंगे। शाम को पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? वो तो पता चलेगा शाम को। अच्छा चलो, कुछ और मुर्गे वाले हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्यों जी, बहुत सारे मुर्गे रखे हैं, बेचने के लिए रखे हैं क्या? कल चुनाव में क्या माहौल है? माहौल अभी तो पता नहीं है, मतलब रात को मीटिंग होगा तो पता चलेगा। क्या होगा मीटिंग में? मीटिंग में बोलेगा सरपंच, जिसके मीटिंग में बैठ करके जिसको बोलने से उसको दे देंगे। सब सारे के सारे एक को दे देंगे? सारे, हाँ सारे। हाँ, सरपंच बोलेगा, मतलब सरपंच बोलेगा उसी को? ठीक है, कहाँ गाँव का सरपंच बोलेगा दे देगा। सचिव बहनो बलराम बांगापाल थाना। तो पूरा गांव वैसे ही वोट करता है? हाँ वैसे ही करते हैं, गांव-गांव में बात करते हैं। तो सरपंच ही सब कुछ तय करेगा आज की रात को? आज के रात को तय। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि कई गांव में, आप कौन से गांव के हो? हीरानार वाले। अच्छा हीरानार। तो कई गांव में ऐसा होगा जहां पे सरपंच के साथ आज बैठक होगी रात को और उसके बाद तय होगा कि वोट किसको देना है, हुल छाप को या फिर हाथ छाप को, जो कि मुख्य पार्टियां हैं। इसके अलावा जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनके बारे में भी फैसला सामूहिक रूप से लिया जाएगा और पूरा गांव उसी को वोट करेगा, जैसा कि कुछ पंचायतों की जानकारी इन लोगों ने दी। कैमरामैन रेखराज के साथ गीदम स्वरूप। और अधिक जानकारी लीजिए हमारे साथ लाइव, हमारे साथ दंतेवाड़ा से हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूपेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सुरक्षा के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं? संवेदनशील इलाके हम देखते हैं वहां पर बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसे कौन से संवेदनशील बूथ हैं जिन्हें शिफ्ट किया गया है? देखिए 28 बूथ हैं ऐसे और पंकज भदौरिया जो कि हमारे स्थानीय संवाददाता हैं उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर उनको शिफ्ट क्यों किया गया। 28 जो बूथ आप बता रहे थे कि शिफ्ट किया गया, क्या वजह है उसकी? ये जो 28 के 28 बूथ है दंतेवाड़ा जिले के अति संवेदनशील बूथ हैं और पिछले बार जो यहाँ पर नीलावाया के पास में डीडी न्यूज के पत्रकार के साथ जो घटना हुई थी उसके बाद और दो बूथ, 6 बूथ यहाँ पर ऐसे बढ़ाए गए जहाँ पर फोर्स का जाना संभव नहीं, मतलब वो नदी इंद्रावती के पार के 10 बूथ हैं जहाँ पर वोट मशीन से जाया जाता है, तो ऐसे बूथों को ला करके सड़क पर शिफ्ट किया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना नक्सली विधानसभा में ना फैला सके। और 10 से 12 हजार टोटल पूरे जवान लगाए गए हैं, चप्पे चप्पे पर जवान हैं, हर पोलिंग बूथ में 100 से 150 जवान हैं, जितने भी वीआईपी प्रोटेक्टिव हैं चाहे भाजपा कंपनियां लगी हैं। यहाँ पर टोटल 60 कंपनियां हैं और 10 हजार से 12 हजार जवान की संख्या है। हालांकि जो रायपुर में जानकारी ऑफिशियल्स दे रहे हैं वो 18 हजार जवानों की जानकारी दे रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर 10वें वोटर के पीछे एक सिक्योरिटी पर्सनल है, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना संवेदनशील चुनाव है और कितना किस कदर यहाँ पे नक्सलियों का खौफ है। हालांकि महत्वपूर्ण चीज ये है कि नक्सलियों ने चुनाव के जो पहले लगातार ये बात कहते हैं कि वोट का बायकॉट करना है, वोट नहीं डालना है, इस बार वो पर्चा नजर नहीं आया। क्या नक्सलियों ने इस बार कोई
अपनी ओर से फरमान जारी नहीं किया है। बिल्कुल सही बात है कि 11 तारीख को यहाँ पर नामांकन हुआ है, उसके बाद से आज 22 तारीख हो गई है। 10 दिनों के बीच में नक्सली की ऐसी कोई भी गतिविधि यहाँ पर नजर नहीं आई कि उन्होंने इस चुनाव का विरोध किया है, और कोई ऐसा पर्चा आसपास के इलाके में नहीं जारी किया है। नहीं तो अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि जब जब चुनाव होता है तो नक्सली होते हैं। इसको क्या समझा जाए? इसको या तो यह समझा भी जा सकता है कि नक्सली काफी बैकफुट में है, या ये समझा जा सकता है कि नक्सली की खामोशी किसी एक राजनीतिक पार्टी को हो सकता है कि सपोर्ट कर रही हो। अभी कुछ दिन पहले इसी के जस्ट इस सड़क के पीछे की ओर बैलाडीला की पहाड़ियां नजर आती हैं, जहां पे 13 नंबर ब्लॉक को लेकर के बड़ा आंदोलन हुआ था और वहां पे अडानी को काम करने से रोक दिया गया था। इस चुनाव में क्या वो मुद्दा है? हाँ बिल्कुल, वो एक बड़ा मुद्दा है आदिवासी इलाकों में। जो 13 नंबर की खदान है जिसे अडानी को दिया गया था, नक्सली ग्रामीण आदिवासियों ने 10 से 12 हजार आदिवासी 7 से 8 दिन वहाँ बड़ा आंदोलन निकाले थे, जिसमें जो बात नेशनल स्तर पर जाकर के बनी थी। और वो जो मुद्दा है एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उस 13 नंबर की खदान का जो निजीकरण है उसका विरोध लगातार हो रहा है। उस खदान को आदिवासी अपनी आस्था का पर्वत समझते हैं, और उसे लेकर के जो यहाँ पर जिस तरीके से मतलब जो वातावरण बना हुआ था वो भी इस चुनावी मुद्दे में, जो भी कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो या योगी कांग्रेस का क्या हाल है इस बार? योगी कांग्रेस फिलहाल तो न्यूट्रल दिख रही है, लेकिन उन्होंने जो प्रत्याशी को उतारा है वो कांग्रेस के ही खेमे से गठजोड़ करके तोड़ करके उन्होंने उतारा है। जो सुजीत कर्मा है वो देवती कर्मा के रिश्ते में आते हैं, तो हो सकता है कि शायद ये जो रिश्तेदारी का फैक्टर है इसमें शायद कुछ भाजपा को फायदा हो सकता है इससे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाजपा को फायदा इससे। चुनाव कैसा है? काफी टफ बोला जा रहा था, पहले ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को एज है, 2 दिन पहले से ये कहा जा रहा है जब से सीएम का शो हुआ है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी हो गया। बिल्कुल सही बात है कि पहले यहाँ पर जो दोनों पार्टियां सहानुभूति को अपना फैक्टर बनाना चाह रही थी, लेकिन जो कांग्रेस है वो सहानुभूति के फैक्टर में कमजोर नजर आ रही थी, क्योंकि जो कर्मा जी की शहादत है वो 2013 के पहले हुई थी, और देवती कर्मा को यहाँ पर जब मैदान पर उतारा गया था तो उन्हें यहाँ की जनता से जीत मिली थी। इसको देखते हुए यहाँ पर जो इस बार जो ये शहादत का फैक्टर है, इसमें जो रैलियां निकाली, जो रमन सिंह ने गीदम इलाके में जो रैली निकाली, उस रैली के बाद उसे ऐतिहासिक रैली भाजपा अपने लिए बता रही थी, लेकिन जब दूसरे दिन सीएम भूपेश बघेल ने रैली निकाली तो वो रैली भी काफी बड़ी थी, और उससे कांग्रेस के खेमे में एक ऊर्जा। ज्यादा बड़ी रैली किसकी थी? ज्यादा बड़ी रैली कांग्रेस की थी, उसमें काफी मोटरसाइकिल काफी बड़ा जन सैलाब उमड़ा हुआ था, और उसके बाद से लगातार मतलब कांग्रेस चार्ज है और अपनी अपनी जीत का दावा तो दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि ये चुनाव दरअसल सहानुभूति के साथ साथ 2-3 और फैक्टर पर हो रहा है। पहली चीज ये कि ये जो चुनाव हो रहा है वो दोनों ही पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने पति को नक्सली हमले में खोया है। एक ने 2013 में खोया था, एक ने 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक 2 दिन पहले खोया है, और सहानुभूति को लेकर के बहुत सारे वीडियो वायरल किए गए हैं, लेकिन जो मुद्दे की बात की जाए तो मुद्दा कोई ऐसा नजर नहीं आता है जिसको लेकर के ये चुनाव हो रहा हो। चुनाव दरअसल पार्टियों के बीच में है, सरकार बनाम विपक्ष के बीच में है। ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब रमन सिंह यहाँ पे आए तो 15 साल की उपलब्धियों के साथ बदलापुर की राजनीति को मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की जो पूरी पॉलिटिक्स है, जो पूरा एजेंडा है, वो प्रो शेड्यूल्ड ट्राइबल्स और प्रो एग फार्मर्स यानी कि किसान के पक्ष में जो उनकी पॉलिसीज हैं, जो पॉलिसी आदिवासियों के पक्ष में जो उन्होंने घोषणाएं की है उसी के आधार पर वोट मांगने की कोशिश कर रही है। तो सवाल यहाँ पे जो लड़ाई है वो रमन के 15 साल का है, बनाम भूपेश बघेल के 9 महीने का है, और इन सब के बीच में चुनाव बेहद दिलचस्प है। हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं, उनको बुलाते हैं और उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल वो क्या कहते हैं। इस बीच मैं आपको दिखा दूं कि जिस जगह पे हम खड़े हैं वो एक हायर सेकेंडरी स्कूल है, और यहाँ पर कल वोट डाले जाएंगे। तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, जो मतदान कर्मी है वो पहुंच चुके हैं, और जो उनको मिलान करना है वो सारा मिलान कर लिया है। कल सुबह मॉक जो पोलिंग होती है वो होगी, और उसके बाद फिर ईवीएम में वोट डाले जाएंगे। रुपेश जी, हम देखें तो बस्तर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहीं हम देखें तो दोनों तरफ से शहीदों की पत्नियों को मैदान में उतारा गया है। क्या लगता है इस बार किसका पलड़ा भारी नजर आएगा? क्या कहती है आपकी ग्राउंड रिपोर्ट? Yeah.
देखिए, तो चुनाव के परिणाम तय करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस विधानसभा के अगर वोटर्स की संख्या को देखें तो करीब 1,90,000 के आसपास टोटल वोटर्स हैं, 1-2,000 कम हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है उसमें 1,00,000 महिला वोटर हैं, यानी कि कैंडिडेट भी महिलाएं हैं और जो तय करेंगे कि यहाँ से हमारा जनप्रतिनिधि कौन होगा वो भी महिलाएं होंगी। हमारे साथ एक जनप्रतिनिधि है, आप कौन सी पार्टी से हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, जिला पंचायत सदस्य दंतेवाड़ा, नंदलाल मुड़ामी। अच्छा, क्या उम्मीद है, क्या मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं आप? काफी अच्छा रुझान है भारतीय जनता पार्टी के, जो 15 साल के शासन काल में जो काम हुए हैं उसको पब्लिक बहुत अच्छी तरीके से जान रही है। और निश्चित रूप से ओजस्वी मंडावी जी यहाँ से भारी बहुमत के साथ वो यहाँ से जीत दर्ज कर रही है। नहीं, लेकिन आपने पीडीएस के बलबूते पे 15 साल तक यहाँ पे सरकार बनाई, महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपकी सरकार के कामकाज को जनता ने, बस्तर की जनता ने कम से कम 2 बार नकारा है, 10 साल से लगातार नकार रही है, 2013 में भी नकारा, इस बार भी नकारा। केवल दंतेवाड़ा की सीट ऐसी थी जहां से भीमा मंडावी अपनी व्यक्तिगत छवि की वजह से जीत गए। तो आपको लगता है कि जो ओजस्वी मंडावी हैं, जो उनकी पत्नी हैं, वही आपके पास सबसे बड़ा एजेंडा है? क्योंकि जो 15 साल की बात आप कर रहे हैं, जनता ने तो उसको खारिज कर दिया है, और कांग्रेस ये क्लेम कर रही है कि 9 महीने में जो उन्होंने फैसले लिए, चाहे लोहांडीगुड़ा की जमीन वापसी का मसला हो या किसानों के हक में फैसला हो, वनवासियों के लिए जो तेंदुपत्ता की दर को 4,000 रुपए करने का हो, उसका फायदा उसको मिलेगा। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया था विगत 15 सालों में उसको पब्लिक स्वीकार की है, और निश्चित रूप से आज के डेट में हम देख रहे हैं कि जो 10 महीने में जो कांग्रेस की सरकार ने जो वादे किए थे उन सारे वादों से वो मुखर चुका है। और जो भी वो जैसे बेरोजगारों को 2500 रुपये भत्ता देने जैसे अन्य बहुत प्रकार के जो लुभावने वादे किए थे, उन सारे वादे खोखले साबित हुए, और पब्लिक इसको बहुत अच्छे से जान रही है। निश्चित रूप से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और बहुत बड़े अंतर से यहाँ पर जीत होनी है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज की जो वादे कांग्रेस ने पूरे नहीं किए, भारतीय जनता पार्टी उसे भी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, जैसे कि बेरोजगारों को रोजगार देने का मसला हो। क्या इस चुनाव में, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ विनोद जी हैं, आपको लगता है कि इस चुनाव में वो जो भाजपा कह रही है, जो एजेंडे बनाने की कोशिश कर रही है, या जो उनके प्रचार में जो बातें निकल करके सामने आ रही है, वो इस चुनाव का मुद्दा है? बेरोजगारी का मुद्दा तो भाजपा की सरकार में भी रही है, इस सरकार में भी है, चूंकि यहाँ NMDC है, NMDC में बेरोजगार हमेशा बेरोजगारी को लेकर वहाँ पर लड़ाई लड़ते रहते हैं। 15 साल से भाजपा की सरकार थी, उन्होंने भी बेरोजगारी की समस्या को बहुत कुछ हल नहीं किया है, और इनको अभी 9 महीने का समय मिला है, 8 महीना बीता है, तो इतने दिन में इनको लेकर भी बेरोजगारी की समस्या तो आ रही है, लेकिन ये कोई उतनी बड़ी मुद्दा नहीं है। अब क्या मुद्दे क्या हैं? मुद्दे यहाँ पर सबसे पहला मुद्दा तो आज स्थानीय अगर बोला जाए तो जो आज 13वीं खदान है उसको लेके जो लड़ाई चल रहा है, नंदराज पहाड़ जो है उसमें जो अडानी को दिया गया है, हालांकि कमोबेश सबने इसको मुद्दा बनाया है। भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगा रही है कि जोगी जी कांग्रेस और भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस बोल रही है कि जब शिवराज सिंह उस दिन जब इनका भूपेश बघेल का प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब शिवरतन शर्मा वो थे CMDC के चेयरमैन थे तो उनके कार्यकाल में इसको दिया गया। उनका कहना यह है, जोगी जी ने अभी PC किया था तो उसमें बोला कि रमन सरकार ने दिया और इन्होंने उत्खनन का वो दिया, आदेश दिया कांग्रेस सरकार ने, तो सब एक दूसरे को नंदराज। भाजपा क्या कह रही है, रमन सिंह इस पे क्या कुछ कह रहे हैं? रमन सिंह का कहना है कि जो कर रहे हैं ये तो भूपेश बघेल के समय ही सब कुछ हुआ है, भूपेश बघेल की अडानी से सेटिंग है, ऐसा उनका कहना है। वाह, बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, इस मामले में जो सरकार ने स्टैंड लिया कि वहाँ पे आंदोलन चल रहा था और आंदोलन को तुरंत वाकई रूपए यहाँ पर हम देखें तो बीजेपी लोकसभा के बाद आश्वस्त नजर आ रही है अपनी जीत को लेकर के, वहीं बहुत बड़ी चुनौती भी है कांग्रेस के लिए क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है और उसकी लाज की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। दंतेवाड़ा में इस बार कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। आमतौर पर नक्सल प्रभावित इलाकों में उम्मीदवार साप्ताहिक बाजार जाकर मतदाताओं को रिझाने की कोशिश करते हैं। हम इस बार बाजारों में जमकर रौनक देख रहे हैं, सूखी मछली और मुर्गे के खरीदार और बेचने वालों के धंधे चमके हुए हैं। गीदम के साप्ताहिक बाजार में सूखे मछली बेचने वाले लोगों से बात करके चुनावी मिजाज को टटोलने की कोशिश की हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता ने। इस वक्त हम दंतेवाड़ा
उपचुनाव से ठीक कुछ वक्त पहले गीदम के एक मार्केट में है, साप्ताहिक हाट मार्केट जो लगा हुआ है। और खास बात यह है कि बस्तर में जो मछलियां खाई जाती हैं, सूखी मछलियां भारी मात्रा में खरीदी और बेची जाती हैं, तो ये अलग अलग तालाब और नदियों की मछलियां हैं जिसको कल चुनाव होने वाला है तो वोट डालना है। डालना है। क्या सोच करके वोट डालोगे आप? क्या सोच के डालेंगे, ऐसे तो जाते हैं डालते हैं, कुछ सोचते ही नहीं है। तो कौन कौन है चुनाव में, ये पता है? नहीं पता। नहीं पता। आप किसको, आप सब्जी बेच रही हैं, आप बताइए आप किसको डालती हैं? हम जिसको पसंद आता है उसी में डाल देते हैं। तो इस बार कौन पसंद आ रहा है? किसी में बटन दबा देना है, क्या करोगे। अच्छा कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। आप यही के रहने वाले हैं? यही के। कल वोट डालेंगे? कल डालेंगे ना। तो क्या माहौल है इधर चुनाव का, नेता लोग पहुँच रहे हैं? पहुँचे पहुँचे। क्या क्या बोले? क्या बोले, वोट डालो बोले। नहीं तो क्या क्या करेंगे वो नहीं बोला है? नहीं। सरकार उधर कैसा काम कर रही है? कुछ काम हमारा करेगा वहाँ तो डाल देंगे। अच्छा ये बताइए कि चूंकि नक्सलवाद है यहाँ पे, यहाँ तो हम नहीं जानता हूँ। अच्छा आप लोगों के इलाके में नहीं है? नहीं। अच्छा अंदरूनी इलाकों में है। तो ये गीदम जो है दंतेवाड़ा के रास्ते पे पड़ता है, कुछ और लोग यही क्यों आप लोग? नहीं। हाँ कहाँ गए हो, वोट डालोगे कल? दंतेवाड़ा। तो कल वोट है ना? कल वोट है। हाँ कल वोट है। तो क्या क्या माहौल है चुनाव का? मैं नेटापुर कह रहा हूँ। नेटापुर। अच्छा कल आप लोग वोट डाल रहे हो? कल है चुनाव? चुनाव तो है भैया। क्या माहौल है? क्या माहौल है, इसी माहौल है क्या बताओगे, माहौल तो माहौल है। नेता लोग पहुँच रहे हैं? वो नहीं पहुँच रहे हैं, कल पहुँचेंगे शायद अब आके। अच्छा तो ये कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, लोग पहुँच रहे हैं, सब्जियां खरीद रहे हैं, मछलियां खरीद रहे हैं और मुर्गे की लड़ाई भी चलेंगे देखेंगे, क्योंकि तैयारी उसकी भी चल रही है। लेकिन माहौल पूरी तरह से जो चुनाव का रंग है, सिर्फ इस चुनाव की बात नहीं है बल्कि चुनावी रंग जो पहले हुआ करता था 10 साल पहले, वो अब जिस तरीके से पोस्टर्स बैनर सारे गायब हुए हैं, चुनाव आयोग की सख्ती हुई है, उसके बाद ये प्रचार पूरी तरह से सोशल मीडिया और मीडिया सेंट्रिक हो गया है।